بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. तेवीस रुकू की आयतें हैं, अब दो दिन से आपके सामने ही आयतें आ रही हैं. इनका तर्जमा यह है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ. गिनती के चंद रोज़ हैं, फिर जो कोई तुम में बीमार हो जाए या उसको सफ़र में जाना पड़े तो जितने रोज़े छूट जाते हैं दूसरे दिनों में उनकी गिनती पूरा कर लें. और जो लोग बमुश्किल रोज़ा रखते हों, नाकाबिले तकलीफ उनको तकलीफ़ होती है, नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोग रोज़ा छोड़ दें और एक मिस्किन को उसके बदले खाना दें, उसका फ़दिया दिया करें. उसका फ़दिया एक मिस्किन को खाना देना है. फिर जो कोई खुशी से ज़्यादा दे तो वो उसके हक़ में बेहतर है. और ये कि तुम रोज़ा रखो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम वाकई कुछ जानते हो और समझ रखते हो. रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया जो सारे लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत की और हक को बातिल जुदा करने की दलीलें भी हैं. हिदायत भी है, हिदायत की और हक को बातिल जुदा करने की दलीलें भी हैं इसके अंदर. बस जो भी तुम में से इस महीने को पाए तो ज़रूर इसको पूरे रोज़े रखना चाहिए. फिर और इजाज़त दी जा रही है कि जो कोई बीमार है या सफ़र पर चला गया है तो जितने रोज़े छूट जाते हैं दूसरे दिनों में उनकी गिनती पूरा कर लें. अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है और तुमको मशक्क़त में मुब्तला करना अल्लाह का इरादा नहीं, और अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम रोज़ों की गिनती पूरा कर लो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ. तो रोज़ों के ताल्लुक से ये आयतें आपके सामने दो दिन जा रही हैं. तो पहली आयत के अंदर ही सब बहुत सारी बातें आएंगी कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ. रोज़ा रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान हुआ, फिर इसके बाद ये बताया गया कि पिछली रोज़े की तारीख भी बयान की गई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सब पर रोज़ा मकसद भी बयान किया गया. देखो एक आयत के अंदर कुरान का एजाज़ यानी मौजज़ा होना, एक आयत की तरह सब कुछ बयान कर दिया अल्लाह ताला. फिर जो तुम ईमान लाए हो तो अल्लाह रसूल की बात को मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है. रोज़ा तुम सब पर फ़र्ज़ कर दिया गया है तो जैसे आपको मालूम है तमाम दीन के अहकाम किस पर हैं, आकिल और बालिग पर हैं. आकिल बालिग पर, जो नाबालिग उस पर नहीं, जो मजनून उस पर दीन के अहकाम नहीं. तो हर मुसलमान जो आकिल और बालिग है उसके साथ फिर ये रुख्सतें दी गई हैं कि जो बीमार है जो सफ़र पर चला गया है, तो कल चंद बातें आपके सामने आई थी, हामिल औरत है और जो दूध पिलाने वाली औरत है और उसके बाद जो है हैज़ निफास की औरतें, इन पर रोज़ा नहीं. तो जितने रोज़े छूट जाते हैं उनकी दूसरे दिन उनकी गिनती पूरा करना चाहिए. तो रोज़े का मकसद भी ये बयान किया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा हो. तो इंशाल्लाह बयान करूँगा मैं. तो रोज़े के बहुत सारे अहकाम हैं, अब सब ज़बानी तौर पर याद रखना मुश्किल है. रो
रोज़े में करने का काम, रोज़े में कोई अपना वक्त बेकार कामों और फजूल बातों में ना गंवाना चाहिए, बल्कि जो वक्त रोज़ी कमाने से बचे, अपना जो बिज़नेस है या नौकरी है उससे बचने के बाद इसे कुरान की तिलावत या नफिल नमाज़ों में और किसी ज़िक्र वगैरह में उसको लगाना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा के शदीद गर्मी के ज़माने में रोज़े रख कर लोग जहाद में जाया करते थे, मालूम अगर तिलावत कुरान या कोई और नेक काम ना करे तो फजूल बातों में लगे रहना ही चाहिए, बल्कि बेहतर है सो जाए ताकि गुनाह से तो बच जाए। रोज़े के मकरूहात, मकरूह के माने शरीयत जिसको नापसंदा ठहराती है, तो कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते रहते हैं, तो उन्होंने शुरू में टर्म्स लिखे हो। मकरूह यानी क्या? फ़र्ज, जो बात कुरान से साबित है इसको फ़र्ज़ कहेंगे, इसमें कोई शुबा ना हो। अब कुतिब अलैकुम सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर देंगे ना, इसे नमाज है, तो ये कुरान से बिल्कुल साबित है। फ़र्ज़ का मुनकिर काफिर है, मालूम, किसी भी फ़र्ज़ का, मालूम, बग़ैर उज़्र के छोड़ने वाला फ़ासिक। उज़्र है तो अल्लाह, अब जैसे कि रोज़ा है, बीमार है तो छोड़ने की हुकूमत दिया गया, लेकिन बाद में उसको पूरा करना, जो भी फ़र्ज़ है एक ही फ़र्ज़ करो, नहीं, जितने भी फ़राइज़ हैं इस्लाम के उसका एक फ़र्ज़ का इनकार करने वाला भी काफिर होता है। फ़र्ज़ साबित होता है कुरान हदीस से, मालूम है ना, इसका मुनकिर काफिर है और बग़ैर उज़्र के छोड़ने वाला फ़ासिक है। नमाज़ तो फ़र्ज़ है मानता हूँ, रोज़ा फ़र्ज़ है, नहीं रहता मेरे ऐसे नहीं होता, तो मुसलमान है लेकिन फ़ासिक है, नाफ़रमान। फ़र्ज़ की दो किस्में, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन वो है जिसका अदा करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, हर एक पर बिल्कुल लाजिम है, और फ़र्ज़ किफ़ाया वो है जिसका अदा करना हर शख्स के लिए ज़रूरी तो हो लेकिन कुछ लोग कर लें तो तमाम लोगों से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा उसमें। अब नमाज जनाजा, नमाज जनाजा है तो जो लोग हैं महल्ले के लोग हैं, उसके बाद जो है वहाँ के मकामी लोग हैं, उसके बाद उस गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, इस तरह से उस मुल्क के लोग हैं, कोई भी उसमें एक आदमी भी खड़ा तो चला ख़त्म हो गया, एक आदमी भी अगर उसको अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा, किसी की नमाज जनाजा है। सुन्नत फ़र्ज़ के बाद वो फ़ेल जिसको खुद अल्लाह के रसूल ने खुद किया या करने का हुक्म दिया, इसकी दो किस्में, सुन्नत मौक्कदा और सुन्नत गैर मौक्कदा। सुन्नत मौक्कदा वो अमल है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किया और बिला उज़्र को नहीं छोड़ा, और उसको छोड़ने वाला जो है इसको बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनाहगार है, सुन्नत मौक्कदा को, और काबिल मलामत है। सुन्नत गैर मौक्कदा वो अमल जिसने कभी किया कभी छोड़ दिया हो, इसका करने वाला सवाब का मुस्तक है और छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं, छोड़ने वाला गुनाहगार नहीं लेकिन करने वाला बहुत बड़े सवाब का मुस्तहक है। मुस्तहब वो काम जिसको ने कभी कभी किया और करने का सवाब आपने जो है बयान किया, न करने पर कोई गुनाह नहीं होगा, मुस्तहब काम। इसको नफल भी कहते हैं, मंदूब भी कहते हैं और ततू भी कहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब एक लफ्ज़ तो एक सिर्फ मुस्तहब इस्तेमाल किया जाता है, सुन्नत ज़वाइद भी कहते हैं। वाजिब जो सुन्नत मौक्कदा और फ़र्ज़ के दरमियान है वो वाजिब कहलाता है, सुन्नत मौक्कदा से भी ज़्यादा ज़रूरी और फ़र्ज़ से कम। तो दाढ़ी के बारे में उलमा का ही कहना है कि वो वाजिब है, तो दाढ़ी जो है एक मुश्त हो वो शरीर दाढ़ी कहलाती है, एक मुश्त से कम है और दाढ़ी से ही नहीं कहलाती है। फुका ने क्या लिखा है उसके बारे में, मुखन्नस की दाढ़ी के लिखा, हिजड़ी की दाढ़ी के लिखा, दाढ़ी का मुसला लिखा है। मुसला पहले जो है जंग होती थी ना, जंग होने के बाद उसको काट के ना काट के उसकी दाढ़ी भरी थी, दाढ़ी भी काट छोड़ देते थे ऐसे, तो दाढ़ी का मुसला लिखा है, मुखन्नस की दाढ़ी, दाढ़ी का मुसला लिखा है। तो ये जो है इस तरह से कुछ लोग रखे हैं
तो शरीर दाढ़ी है बराबर, एक मुश्त जो है अपनी मुश्त से देखो, एक मुश्त जायद होती है उसको काट। तो दाढ़ी वाजिबात है, सुन्नत लिखा है लेकिन, तो यहाँ लिखा है सुन्नत वाजिब जो सुन्नत मौकदा से ज़रूरी है और फ़र्ज से कम है। तो दोनों के दरमियान जो ग्रेड है, हर अहकाम की ग्रेड ही लगो नमाज के ना, फ़र्ज नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़े, सुन्नत दरकास के दो फ़र्ज पढ़े, रात में जो है सुन्नत मौकदा है तरावी, उसके बाद वितर, वितर वाजिब है। तो इस तरह से ग्रेड क्या है वो लिखें। तो अब जो है मकरूहात, रोज़े के मकरूहात, तो मकरूह के माने इस पर सवाब कम होता है मकरूह पर। हराम यानी जो कतई तौर पर हराम है, जिसको जायज़ नहीं करार दिया जाएगा। तो मकरूह के दो किस्में, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही। मकरूह तहरीमी करीब करीब हराम के, मकरूह तंजीही से मकरूह है ना बस शरीयत पसंद नहीं किया है। रोज़े के मकरूहात, रोज़े में खाना पीना और बीवी से मिलना तो छोड़ना है, इनके इर्तिकाब से ज़रा टूट नहीं जाता, बल्कि एक रोज़े के बदले मुसलसल दो महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे, याद रखो। कसदन किया तो, कसदन किसी ने जो है खाया पिया या बीवी से मिला तो है तो ये, लेकिन बात चीज़ें जिससे रोज़ा टूटता नहीं बल्कि मकरूह हो जाता है, मकरूह के माने सवाब कम हो जाता है रोज़े। तो गालियाँ, गाली देना, फिर लोगों की आदत होती है ना, क्या भी गुस्सा आ गया तो गाली देना शुरू करता है इसे वैसे मुँह से, या दो आदमी बैठ के किसी तीसरे का जिक्र शुरू कर दिया, इसको गीबत कहते हैं, गाली गीबत, और बेकार सख्त कलामी, चीखना चिल्लाना, फजूल बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, वो कुछ काम वगैरह उनके वैसे होते हैं, काम कर चले गए वहाँ उसको साफ गालन दिया, इन्हों उसे करे, या दो तीन आदमी रहते हैं, चार पांच आदमी मिल काम करते रहते हैं, ऐसे हालात पे जाते रहते ना वो, तो सबके लिहाज से बात लिखी जाती है, हमें कहाँ करें जी, सोचिए क्या लिखे हमें कहाँ करते हैं, हमें कहाँ लड़ाई करते जाते हैं, ये तमाम लोगों के लिए लिखी जाती बात ना। भूख प्यास की वजह से घबराहट और बेचैनी करना, भूख प्यास लगने वाले नहीं, बेचैनी करना नहीं, सब्र करना चाहिए, रोज़ा तो सब्र का महीना है ना, और सब्र का बदला जन्नत है। तो हदीस में आता है रमज़ान के बारे में, वो शेरु सब्र, वो सब्र का महीना है, वो सवाबुल जन्ना, सब्र का बदला जन्नत है। तो रोज़ा मकसदी तो आपको कंट्रोल करने के रखा जा रहा है, खाना पीना छोड़े आदमी, इसके अंदर जो है बुराई से बचने का जो है मादा पैदा हो, इसलिए तो रखा जा रहा है ना। भूख प्यास की वजह से घबराहट बेचैनी जाहिर नहीं करना चाहिए, तो मकरूह होता है किसी चीज़ का मुँह में डाले रखना या चबाना, खा वो खाने की चीज़ हो या ना हो, कोई चीज़ मुँह में डालकर नहीं रखना चाहिए। कोई खाने की चीज़ चखना, पकाते हुए जरा औरतों को धरते ना नमक है क्या नहीं, वो भी नहीं। अगर किसी औरत का शोहर या किसी मुलाजिम का मालिक पकाने वाला है, उन्हें कुक है, क्या भी ख़राब पकाते होता है, तो इनको इजाज़त है, तो जबान चक टूक देना हो क्या करना, वैसे इसी पर आग मारना शुरू कर, क्या करना श्योर। अब वो मालिक जो है कैसा पकाया रहेगा, वो ही करता है बोल के, मालिक या शोहर बहुत जालिम है, बदमिजाज है, तो उसको ज़बान के रूप से चकना चाहिए और उसके बाद थूक देना चाहिए उसको, याद रखो मालूम ना, तो देख नमक लगे ना लेकिन उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, क्या थोड़ा कम नमक ज़्यादा होने से क्या होने वाला, थोड़ा नमक। रोज़े की हालत में कुल्ली करने और नाक में इतना पानी लेना, तो गरारा नहीं करना चाहिए, आमतौर पर वजू करके कुल्ली में गरारा करना चाहिए, तो हलक तक जाता है, हलक के नीचे नहीं, हलक तक, याद रखो आमतौर पर हलक तक जाता है, बहुत ज़्यादा करने की वजह से कभी नीचे आ सकता, तो इसलिए बचना चाहिए, गरारा भी मत करो, बस कुल्ली कर दो, बस मुंह के अंदर लो पानी, हलक तक मत जाने दो। तो अगर बहुत ज़ोर पानी खींच लिया तो पानी नाक से हलक में आ जाता, इसलिए मुबालगा ना करें। नहाने की ज़रूरत हो मगर सुबह सादिक के बाद तक नहाना, बहुत देर तक नहाने की ज़रूरत होगी रात को तो जल्दी नहा ले, दिन भर भी बगैर नहाए रहना रोज़ा हो जाएगा लेकिन मकरूह है। अब नहूँगा जब नहूँगा, कहे बैठ बातें करते बैठे सोया करा और यूँ चला सिलसिला, 10-11 बज गए, 12 बज गए, तो भी रोज़ा हो जाएगा लेकिन मकरूह है। पेस्ट वगैरह लगा, मंजन वगैरह ला के मुँह नहीं धोना चाहिए, पेस्ट और मंजन वगैरह जो लगाते हैं ना वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मिसवाक कर सकता है,
मिसवाक से उसमें भी अरक निकलता है, लेकिन वो जायज़ है। मिसवाक सूखी हो, तर हो, और कितनी बार भी मिसवाक करने से कुछ भी नहीं होता। अगर मिसवाक करने से उसका टेस्ट आता ना, साहब मिसवाक का आता कि नहीं, पानी निकलता है उससे, निकलता कि नहीं? मिसवाक करते होता वो करेंगे तो जो है नेचुरली पानी पैदा होता ना, लुआब पैदा होता है। कोयला चबा कर या मंजन वगैरह से दांत नहीं करना चाहिए, मकरूह है। मुँह में बहुत सा थूक जमा कर निकल जाना, प्यास लग रही थूक जमा करके निकल जाता आदमी, तो वो भी नहीं करना, मकरूह है। रोज़ा टूटता नहीं बल्कि मकरूह है। तो बीवी से जो है बोस व किनार करना मुमकिन है, बेख्याली के अंदर हो या जो जज्बात में आके आदमी जो है मुबाशरती कर बैठेगा, इसलिए दूर रहना बेहतर है। अपने मुंह से चबा कर बच्चे को कोई चीज़ खिलाना, बच्चा है नहीं खा रहा, छोटे बच्चे को करते हैं ना सख्त चीज़ कोई चबा को खिलाना नहीं जाना चाहिए, मकरूह हो जाएगा रोज़ा हमारा। जिन बातों से रोज़ा मकरूह व फासिद नहीं होता, ये तो मकरूह होता है, अब ये चीज़ें जिनसे मकरूह और फासिद नहीं होता क्या है? सर पर तेल डालना, तेल ठंडी होती है ठीक है डाल लेते, उसे कुछ नहीं होना। बदन पर तेल लगाना, सुरमा लगाना, सुरमा नहीं लगाए तो हलक में थोड़ा आता है लेकिन इस तरह दवा भी अगर डाली जाए, आँख में दवा डाली जाए तो भी हलक में थोड़ा आता हो तो रोज़ा हो जाएगा, समझते हैं? कान में डाले तो रोज़ा टूट जाएगा, अदरक कान में डालने से रोज़ा टूट जाएगा, कान में दवा नहीं डालना चाहिए। लेकिन आँख में डालने से मालूम, कान में डाले तो हलक में से आ सकता है लेकिन कभी नहीं आता, यूजुअली बहुत लंबा रास्ता है वो। लेकिन कान जो है ये है ना हॉलो ऑर्गन है, ईयर क्या एक हॉलो ऑर्गन है, हमारे डालने से रोज़ा टूट जाएगा, याद रखो। आँख में डाले तो मालूम होता है लेकिन रोज़ा नहीं टूटता, पर मैं पहले बहुत पहले लिखा था, ऐसा कैसा है ये, ऐसा ही है मसला, मसला तो ऐसी जैसा मसला है वैसी बात है। मिसवाक करना, मिसवाक खा गीली नरम ताज़ा मिसवाक से तो ये निकलता रहता है उसका, पानी निकलता रहता है उसका, उसकी मज़ा भी आता है। सूखी हो या गीली हो, दोपहर के बाद की जाए या दोपहर से पहले, कभी भी मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अदरक खुशबू लगाना या खुशबू सूंघना, भूले से खा पी लेने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। भूले से खा लिया अब नहीं, अब दो चार रोज़ा है मालूम नहीं होता क्या पक रहा है कर रहा है भाई कुछ है तो खा लिया, तो भूले से खा लेने से नहीं टूटता। अगर कोई दूसरा आदमी किसी को रोज़ा भूले से खा ले पी देगा उसको फ़ौरन बता देना चाहिए, जी रोज़ा है जिक्र बता दो। अगर ये मालूम हो कि बहुत ही भूखा है तो चुप बैठ जाए, क्या करें न बताना चाहिए। खुद ब खुद कह हो जाने से, खुद ब खुद हो जाए खास ज़्यादा हो कम तो रोज़ा टूट, रोज़ा नहीं टूटता, याद रखो। खुद बहुत कहीं भी सो कहे कर लेना अलग है, खुद बहुत बेचैनी हो जाकर को हाथ में दल कर ले तो रोज़ा टूट जाएगा, ऑटोमेटिक भी कहे तो नहीं। बस मुंह में जो थोड़ा सा थूक आता है, थूक आता रहता है तो वो निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बगैर रह देखिए धुआं वगैरह चला गया एकदम, क्या धुआं रहता है जाता है एकदम, क्या भी कीड़ा का सरका होता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। उसको गर्मी की शिद्दत से बार बार कुल्ली करना या बदन पर पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता, याद रखो। ये पहले किसी का पुराना मसला है, वो पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो है अब जो है उस मसले पर जो है फतवा नहीं दिया था। तो आप कितनी बर्तन की कुल्ली करेंगे या ठंडे पानी से नहा लेना, चाहे सुबह ना हो दोपहर ना हो असर के वक्त ना हो मगर कभी भी ना हो रोज़ा नहीं टूटेगा। हम बच्चे थे उस वक्त जो है नहा लेना तो सुबह सुबह नहा लेना, बाद में नहीं नहाना बोलते थे बेचारों मत जितना मालूम है ना बोले उन्होंने क्या करें, ए दोपहर के बाद नहीं नहाना बोलते दोपहर, ऐसा कुछ नहीं, दोपहर हो या जो है चार पहर हो नहाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे ठंडे पानी से नहाओ गर्म पानी से नहाओ या कितने बार नहाओ। गर्मी की वजह से ज़्यादा बार दो चार बार नहा भी नहा ले तो क्या कर सकते, गर्मी ज़्यादा है तो आदमी जो है ठंडा पानी सर पर रख ले सकता है, ठंडा पानी डाल सकता है, ठंडा कपड़ा रख सकता है, कुल्ली कर सकता है, तो इजाज़त दी गई इसमें। कपड़ा तर करके बदन पर रखना ठंडक के लिए, तो जहाँ ज़्यादा गर्मी है आपको जो है एहसास होता मालूम होगा, बहुत सख्त गर्मी बाजी की होती है। अभी तो बहुत दूर नहीं है, हैदराबाद का इलाका है, 45 करके दिया है पूरा हैदराबाद जो है गर्मी की उससे तप रहा है। अल्लाह का फजल है हमारे पास उतनी गर्मी नहीं है,
और कल से 2 दिन से और ज़रा भी कम हो गई गर्मी, बाजी सख्त गर्मी है, अगर एहतलाम हो जाए तो भी रोज़ाना ही टूटेगा, क्या करना, वो मजबूर इंसान सोया एहतलाम हो गया तो उसको जो है नींद में जो है मनी का निकलना एहतलाम, रोज़े का ख्याल नहीं था और वो औरत के साथ हम बिस्तर होने लगा या खाने पीने लगा तो फ़ौरन ही गलती का अलग होना चाहिए, रोज़े का एकदम ख्याल नहीं था अचानक खाने लगा या बीवी से मिले एकदम फ़ौरन मालूम हुआ तो मैं रोज़े से छोड़ देना चाहिए फ़ौरन उसको, इतना खाया खा लिया जो भी किया सो किया, खाना पीना छोड़ दिया तो उसका रोज़ा फासिल नहीं होगा बल्कि उसको अपना रोज़ा पूरा करना पड़ेगा, खाना खा लेता है थोड़ा खा लिया तरह रोज़ा फ़ौरन छोड़ दिया और रोज़ा पूरा कर लो। अब किन बातों से रोज़ा फासिल होता है वो दो है, एक वो जिन सिर्फ कज़ा आती है, दूसरे जिनसे कज़ा और कफ़ारा, कज़ा के माने रोज़ा टूट गया और रोज़ा पूरा करना है, क्या बातें हैं, अब नमाज चुकी ना कज़ा करने का होता है वैसा, तो एक रोज़ा छूट गया एक रोज़ा रखना है, कज़ा के माने हैं अगर इसका एक या कई रोज़े छूट गए तो सिर्फ जितना जितने रोज़े छूट गए उतने ही उसको रखना है, रमज़ान के बाद किसी ने ज़बरदस्ती रोज़े के मुकुट डाल दिया वो अलग से उतर गया, अब बोलेंगे कैसा डालता है वहाँ जो है वो ये प्रसाद ला के मुंह डाल छोड़ेंगे लखा कैसे ला को मुँह में डाल छोड़ना प्रसाद दबा ले खाओ अगर चला गया तो क्या करते, हमारा बच्चा बोल रहा था कि जो ऐसा है वो लोग हाथ में तो कौन खाते थे हमारे लोग हाथ में लग उनको मालूम होगा ऐसा ला के प्रसाद रही कर मुँह में डाल छोड़ रहे अब क्या कर सकता हूँ, तो अगर बाद में थूकने आता है अगर मुँह में चला गया तो भी रोज़ा हमारा तो रोज़ा टूट गया, ज़बरदस्ती अगर मुंह में डाला गया तो रोज़ा टूट गया, रोज़ा याद था मगर कुल्ली करते वक्त जो है एकदम पानी निकल गया अंदर चल उतर हल्के दूर हो गया, कुल्ली करते करते एकदम ही हल्के नीचे उतर गया तो रोज़ा टूट गया, एक रोज़ा रखना उसके लिए। खुद कह करिया, खुद कह करना नहीं चाहिए, कहे जो आई थी क्या करना करने के बजाय आई थी निकला तो रोज़ा टूट गया उसके अंदर, खुद कहे किया तकलीफ पूरी करके ये है या कहे आई थी वो निकल लिया हो तो रोज़ा टूट गया, जो चीज़ खाई नहीं जाती कागज़ कंकर वगैरह इसको निकल गया तो भी रोज़ा टूट गया उसका, दांतों में रोटी का टुकड़ा या गोश्त था ये चने के टुकड़े के बराबर है दांत में बैठा रहता है, चने का जो दाना है ना इतना बड़ा रह गया कैसा रहता है तो सुराख हुआ रहता है ना दांतों में, कभी उतना बड़ा कैसा रहता है सोचेंगे तो क्या है कभी सुराख हुआ रहता है तो वहाँ बैठ जाता, अगर वो निकल गया तो जो है छोटा है तो कुछ हर्ज नहीं, छोटा है चने के दाने के बराबर है तो रोज़ा टूट जाएगा तो उसको जो है रोज़ा रखना पड़ेगा बाद में रमज़ान के बाद, बड़ा है तो कज़ा करना चाहिए, अगर मुंह के बाहर निकाला निकाल कर फिर निकल गया अंदर का अंदर ही हुआ तो ये बात है, बाहर निकाला छोटा है बड़ा निकाल कर फिर निकल गया तो रोज़ा रखना, छोटा है बड़ा दोनों भी निकाल कर देखा ये है तो और ले लिया नहीं मुँह में ले लिया तो रोज़ा टूट गया, कान में तेल डालना वही दो, कान में तेल डालने से या दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा, नाक से कोई चीज़ लिया और वो हलक में चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा, दांत से निकले हुए खून को अगर थूक से ज़्यादा है दांत में कभी खून निकलता रहता है तो वो थूक से ज़्यादा है खून और वो निकल गया तो रोज़ा टूट गया उसका, भूले से खा पी लिया बाद में सोचा कि भूले से खा लिया रोज़ा टूट गया समझ के रोज़ा खाना शुरू कर दिया वहाँ से टूटा रोज़ा से टूटा था लेकिन उसकी इजाज़त है अगर भूले से खा पी लिया है तो रोज़ा कंटिन्यू करना है उसका, उसका रोज़ा टूटा नहीं जो भूले से खा लिया पी लिया है ए अब क्या रोज़ा टूटा अगर खाया तो रोज़ा टूट ही गया बस लेकिन एक ही जो रोज़ा रखना पड़ेगा, भूले से खा पी गया इसके बाद सोच करके रोज़ा तो टूट गया है फिर खा लिया तो उसको जो है कज़ा करना पड़ेगी, एक रोज़ा जो टूट गया उसको सुबह शादी के बाद कि अभी वक्त करके खाया बाद मालूम हुआ वक्त हुआ था उस वक्त सहरी हो गई तो रोज़ा नहीं हुआ, सहरी तो खाया बाद में कि क्या टाइम होगा था जी हमारा देखे बाद में कि टाइम देखे अरे टाइम होगा था अब तो मालूम है सब रोज़े के गुरूब आफ्ताब से पहले कैसे मालूम होता है घड़ियाँ आगे पीछे होती हैं या जो है
अब घड़ी नहीं होती, अबर इसके ऊपर अबर देखो, ए अबर आ गया, रोज़ा खुले, फिर उसके बाद मालूम है सूरज दिख रहा है, देखो सूरज है अभी, क्या करते हैं। तो जो है ग़ुरूब या आफ्ताब से पहले रोज़ा इफ्तार चलना, सूरज डूब चुका है समझे, बाद में सूरज नज़र आ गया तो रोज़ा टूट गया। रमज़ान के अलावा किसी और नफिल रोज़े या वाजिब कसदन तोड़ेगा तो, सिर्फ रमज़ान के रोज़े कसदन तोड़ेगा तो ही कफ़ारा है, बाकी कौन सा रोज़ा रखा आदमी, नफिल रोज़ा रखा है कहते हैं तोड़ दिया, तो सिर्फ एक रोज़ा रखना पड़ेगा उसको। दोपहर के बाद रोज़े की नियत करना, रमज़ान के रोज़े की नियत तो दोपहर से पहले करना, उसके बाद दोपहर के बाद तो नियत रोज़ा नहीं हो, याद रखो रमज़ान के रोज़ों की नियत जो है निसफ़ुल नहार से पहले करना है, उसके बाद रोज़े की नियत नहीं होती, रोज़ा नहीं होता, याद रखो। तो ये चीज़ें हैं जिसमें रोज़ा कज़ा करना पड़ता है। तो कज़ा और कफ़ारा, कफ़ारा कब होगा, जबकि कसदन तोड़ा है तो कफ़ारा, ये ऐसे हालात पेश आ गए, ऐसा टूट गया तो एक ही टूटा है उसको तुम्हें रोज़ा रमज़ान होने के बाद एक रखना। तो शरीयत के काम भी जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, तो पूरे ज़बानी तौर पर याद रखना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, करके मैं किताब ला कर सुना रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमको दीन के काम जानने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين